आपने साइड पे रोटेट करना है इस साइड पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसा कि आपको ना मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि हमने ना ब्राइडल मेकअप करना है, और हमारी जो मामी है ना वो आ चुकी है दोबारा से, और मेरा तो लहंगा लेके ही आई थी। हाँ, उस टाइम पे मैं लहंगा लेके आई थी जो ब्राइड का लहंगा होता है ना, और उसके साथ साथ ना सब कुछ लेके आई थी, लेकिन बस ये कि टाइम का हमें थोड़ा सा इशू था जिस वजह से हम लोगों ने नहीं किया। तो आज ये बहुत बहुत जल्दी आएंगे, 11 बजे सुबह सुबह हमारे पास आ गई हैं, और अभी हमने सारा सेटअप कर लिया है। सबसे पहले तो ये मुझे लगाने वाली है यहाँ पे मेहंदी, जो कि टाइम कम है तो इसीलिए मेहंदी हमने ये वाली लगा ली है, छापा लगा के ना उसके ऊपर मेहंदी लगा लेनी है ताकि जल्दी लग जाए। हाँ, जल्दी लग जाए, क्योंकि डिजाइन में ना फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अभी हमने मेकअप भी करना है और साथ साथ ज्वेलरी है, ड्रेस है, सब कुछ यानी सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेहंदी लगाते हैं, और मौसम जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह हमारा मेकअप भी अच्छा हो जाएगा। ब्राइड बनने जा रही हैं आज ये? हाँ जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी ब्राइड बनेगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स आप भी बताइएगा जुगाड़ अपना सही लगाया हुआ आपने। माय गॉड, दिखा के रहे हैं, मैंने दिखा दिया। नहीं असल में हमारे घर में सोफे वगैरह नहीं है, और वो पार्लर जो होते हैं वहाँ तो स्पेशल कुर्सी होती है, चेयर होती है, और जितनी ऊपर हाइट ऊंची है ना तो फिर ये बहुत नीचे थी ना चेयर। यहाँ पे सबसे पहले मामी जी ने मुझे ना पूरा का पूरा स्टिकर लगा दिया है, जो भी छापे वाली मेहंदी है ना, तो यहाँ पे स्टिकर लग गया। और अब आ रही है मेहंदी की, तो मेहंदी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। टाइम बचाने का वैसे जल्दी अच्छा तरीका है। हाँ, बेहतरीन तरीका है। हाँ, खूबसूरत सा डिजाइन भी बन जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। और क्या, ये देखे मेहंदी लगाना हमारी स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब जैसी लगती है ना फिर आप लोगों को दिखाते हैं कलर कैसा आया, वो दिखाते हैं। हाँ जी, कलर भी दिखाएंगे और इसका फर्स्ट टाइम मैं इसी ट्राई कर रही हूँ, डिजाइन वगैरह सब दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको रिमूव करके दिखाएंगे। ये है ना, अभी हमने एक हाथ पे मेहंदी लगा ली है और छापा एक हाथ पे लगाया था, फिलहाल दूसरे पे लगानी है। हमने कहा पहले एक का रिजल्ट देख लें, दूसरे पे भी लगी है या नहीं। हाँ, फिर दूसरे पे हम ट्राई करेंगे। अभी ना ये सूख गई है तो इसको उतारते हैं। हाँ, और फिर चेक करते हैं। मैंने सोचा इसको वॉश करती उतारती हूँ, ज्यादा अच्छी शिकायत वो फिर मेहंदी फैल जाती है ना। उस तरह से मेहंदी फैल सकती है। ये देखिए अभी छापा उतारने की बारी आ गई है, जो कि हमने अच्छे से वॉश किया था। ये देखिए वाओ, कितनी प्यारी मेहंदी लगी, मेहंदी जबरदस्त लगी है। माशाल्लाह, पेन तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं, थोड़ा वॉश कर लो, इसके पानी से धब्बे एक मिनट कर लेते हैं। ओके, धब्बे ना पड़े। नहीं, बहुत प्यारी है और रंग भी ना माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। तो अभी इसको वॉश करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, और साथ साथ ना हम दूसरे हाथ पे अटैच कर रहे हैं इसे, दूसरी पे लगाएंगे। बंद है तो अभी अंदर चल के हम दूसरी पे लगाएंगे, और इसको हम साथ साथ वॉश करके चलते हैं। बाद ना मामी ने थोड़े से मेरे बालों को ना सेट किए, जो कि उन्होंने कहा बाद में ना फेस चल रह जाए। और अभी जो कि लहंगा मैंने आपके पास पहले भी छाया हुआ है, तो अब बारी में मेरे लहंगे पहनने की, तो मैं लहंगा पहनती हूँ, लहंगा तो बाद में पहनेंगे, अभी जस्ट शर्ट पहन रही हूँ ताकि वो अपना मेकअप स्टार्ट करें, क्योंकि मेकअप में बिना 2 से 3 घंटे लाजमी लगने, क्योंकि वो अकेली है ना, फिर 2 होते हैं तो फिर जल्दी हो जाते हैं, एक मेकअप कर लेते हैं एक दूसरा काम कर लेते हैं। लेकिन अब ये कि शर्ट पहन लेती हूँ और शर्ट के बाद अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ पहले। और अभी आ चुकी है मेकअप की बारी, जो कि मामी ने ना अपना सारा का सारा जो भी मेकअप का सामान था ना सब कुछ निकाल के रख लिया है, ताकि जिस जिस चीज़ की इन्हें ज़रूरत हो ना बस उठाएं और लगा दें। ये देखिए कितना सारा जो सामान है, ब्राइड को मेकअप करना भी कोई आसान बात नहीं है, इतना सारा सामान भी लगता है। ये देखें आई शेड्स हैं, साथ में कॉन्टोर है, साथ में देखें फाउंडेशन हैं। तो जल्दी से मेकअप करना स्टार्ट करते हैं, और मैंने अपनी शर्ट पहन ली थी, ये वाली मेरी शर्ट थी, और बाकी जो फुल लुक होगी ना लहंगा समेत वो तो हम लहंगा बाद में जब वेयर करेंगे आपको बताएंगे। यहाँ पे जी फोटो शूटिंग अभी जारी हो चुका है, बेगम रेडी हो चुकी है, लेकिन बेगम की जो फाइनल लुक है ना वो आपको बाद दिखाते हैं, बाहर मौसम सही है ना, तो
तो बाहर चलेंगे, यहाँ पे ये जला रखी है लाइट, तो बेगम का जो सारा मेकअप है ना वो इस लाइट के ऊपर हुआ है। ये लाइटें हमारी कम पड़ गई थी। रेडी हैं ये अब? ओके हैं? चलो माशाल्लाह, चलो मैं सामने से जाता हूँ ना अभी। ओके चले भाई बाहर चल लेते ना, बाहर ज्यादा वो आएगा, सही आएगा। बी रोल बनाएंगे बेगम के, चले वो मेरी जरूरत पड़ गई। जी तो भाई अभी हमारी बेगम जो ब्राइड हैं वो रेडी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारा क्रेडिट जो है ना ये हमारी मामी जान को जाता है। बहुत शुक्रिया। नहीं लोग चेंज हो गए हैं ना, मतलब कैसा फील कर रहे हो अभी? लेकिन मैं तो नहीं बना दूल्हा। ये मुझे कह रहे थे कि आप बन जाओ, लेकिन मैंने जो है ना वो बस सिंपल कोट पहना हुआ है। उसमें टाइम लग जाता ना, तो अभी बेगम की फैन लोग दिखाते हैं इंशाल्लाह, फिर टाइम काफी कम रह गया था ना, फिर मुझे तैयार होने में टाइम लग जाता, फिर सूरज भी काफी ढल चुका है ना, फिर टाइम लग जाना था। वो क्या कहते हैं, एक टू जेड सारा काम करना था ना, ये तो असल ब्राइड जो होती है उसका हाफ काम पहले कर देते हैं, लेकिन मैं तो सभी करना था, तो इसलिए और सारा मैंने अकेले भी करना था। पार्लर में मेरी वर्कर साथ होती है, अकेला काम करना ना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी, तो बस अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। बाकी तो आप लोग बताएंगे ना कमेंट करके कि कैसा जो मामी का काम लगेगा सबको। वो जो आपने पहला ब्राइड किया था इनको, तो वो आया से मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, मेकअप था फिर वो जस्ट पार्टी मेकअप था। अच्छा अच्छा। और उसमें मजे की बात ये है, हमारे मैं पलके लानी भूल गई थी, और जो निशा के पास पलके रखी हुई थी ना, बस हमने वो लगा प्रॉपर हुआ ये वाला ना, मेरे ख्याल से हाँ ये प्रॉपर लग रही है। हाँ जी, आज मैं कुछ भी नहीं भूली और सब कुछ लेकर आई हूँ साथ। यही लग रही है, ठीक हो गया, थैंक यू। दूल्हा नहीं बने, देखो ना मैंने इतना कहा, मेरे पता क्या प्रोग्राम था मेरा, ये था कि जी तुम वो दुपट्टा लेकर आओ रेड वाला, और उस वो जी जो है फिरोज दुपट्टा उठाएं और पूरा एक सीन और वो सारा कुछ, नहीं नहीं बस नहीं वो भी कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा कोट पहना हुआ, थोड़ा सा कोट की मैंने थोड़ा सा कोट पहना हुआ, आज भी थोड़ा सा पहना हुआ, बिल्कुल तुरंत नहीं पहना, पूरे दुना नहीं बना, हाँ गोल गोल घूम गिर जाएगी। ये गिरने वाली है अभी, इतनी हल्के से कोई नहीं गिरता। चलो अब इसको स्लोमो में कर लेंगे आप। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। चलो स्टार्ट घूमो। मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरा भी YouTube चैनल है सबास प्लेस के नाम से, वो भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। वहाँ पर भी आप ये ब्राइड करती तैयार करती हैं शादी के हवाले से, ब्लॉगिंग भी होती है उसमें, ब्लॉग्स भी होते हैं और ब्राइड से मेकअप भी होते हैं, माशाल्लाह। हाँ जी, और कैट्स केयर भी होती है जी, सब कुछ बताती हैं, जैसे कि हमने तैयार किया है ना, तो जो भी कपड़े होगा ना तो वो सब बताती हैं, और इसके अलावा भी हाँ जी इंस्टाग्राम पे ज्यादातर मेरी ब्राइड्स हैं, इंस्टाग्राम पे कॉस्मिक बेस्ट सभा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बताओ कैसा फील कर रहे हो अभी? मैं बिल्कुल दुखन वाला। ये हमारी जी अभी शूटिंग चल रही है। रात का हालांकि कितना टाइम हो चुका है, खाना वाना किसी को भी याद नहीं रहा, तो शूटिंग पे जो है ना वो सब बिजी हैं। ये इधर मामू जान ने लाइट पकड़ी हुई है, ये जो लाइट है ना वो 100 वाट की लाइट है, जब पड़ती है ना फेस के ऊपर तो वो सब सबको जहर कर देती है, बिल्कुल। और पता है क्या, हम पिक्चर बड़ी सही आती है माशाल्लाह, इंसान इस तरह से काम करते हैं तो फिर कुछ हासिल भी होता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी लाइट इधर लगी है, वो एक साइड पे लाइट हो रही है, एक साइड पे और लाइट की तार नहीं, रुके 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 रुके, ये एक मिनट को है, जहर की बात है, जबरदस्त ठीक है ना, सारा कुछ बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा शूट हुआ, सब अच्छा हो गया।
और शूटिंग पे तो हमें तो खाने का होश भी नहीं है। हाँ, से सही बात है। और कब से पता है बाजी ने चाय बना के रखी हुई है आपकी मम्मा ने। हाँ, लेकिन हमें पहले चाय पीना है। नहीं नहीं पहले वीडियो बना देते चलिए जी आप अपना बताएं। मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमारा एक बिजनेस है जिसका नाम है TNA Collections। वो इंस्टाग्राम पे उसका पेज भी है और नंबर भी है, वो मेंशन हो जाएगा। बेशक आप इंस्टाग्राम पे जाके आप सर्च करें TNA Collections के नाम से पेज होगा, तो जो प्रोडक्ट भी आपको चाहिए अगर वो उधर लिस्ट नहीं हुआ हुआ और उधर अपलोड नहीं हुआ हुआ तो आप वहाँ से हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह आप मुनासिब रेट पे और फ्री होम डिलीवरी के साथ और घर पर डिलीवर्ड आपको प्रोडक्ट मिलेगा मुनासिब रेट पे। जो प्रोडक्ट चाहिए कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के साथ, जो प्रोडक्ट भी आपको चाहिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको मिलता है तो वहां से आप हमें प्रोडक्ट को ऑर्डर करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वरना व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपना वो प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरा इंस्टाग्राम कॉस्मिक बाय सबा के नाम से भी जरूर विजिट कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल भी जरूर देखिएगा। इंस्टाग्राम पे मेरी तमाम ब्राइड्स की तस्वीरें और वर्क है मेरा, और यूट्यूब चैनल पे आपको मेरे ब्लॉग्स मिलेंगे। ब्राइड्स बुक ही रहती होती है, ब्राइड वैसे भी कुछ निकालती होती है, असली वाली ब्राइड है ना। ये उनके नहीं वो बेचारी को टाइम नहीं होता, बेगम तो अब ज्यादा बोल नहीं सकती, बेगम का ब्लॉग देना वो मुझे बोल बनाना पड़ रहा है ना, खड़ी है यूं करके इधर कर। ब्राइड तो बाकी बेगम की लुक आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो ये सुबह से जो है ना इसकी 4-5 घंटों की मेहनत है, बल्कि हमारी मामी को जो है ना वो गारंटी जाता है। और बाकी ये आपके सामने है रिजल्ट फाइनल। फिरोज और निशा दोनों बहुत ही अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं रियली। मैंने ये नहीं है कि मेरे भांजे हैं तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, ये बहुत ज्यादा नाइस है माशाल्लाह, बहुत कोऑपरेटिव है। जिस तरह से निशा ने हैंडल किया है बच्चों के साथ खुद को ब्राइड बनना, क्योंकि जब ब्राइड होती है उनके बच्चे नहीं होते, बहुत मुश्किल काम है ब्राइड बच्चे को, और बहुत इन्होंने मैनेज किया बिल्कुल, और सब कुछ हमने मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मामी मेरी वापस जा चुकी हैं और जो कि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, हमने तो उनको बोला था कि आप यहीं पर रुक जाएं हमारे पास स्टे करें, लेकिन सुबह जो कि उनकी और भी ब्राइड्स थी और वली में के भी उन्होंने तैयार करनी थी, तो इसलिए उन्होंने वो लोग ना जल्दी से टाइम से चले गए ताकि जल्दी से पहुँच जाएं। और वैसे भी दिन छोटे ना अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो बाकी आप लोगों ने बताना है कि आपको ना मामी की मेहनत कैसी लगी है, और सासा भाई मैं ब्राइड बन गई हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत अरमान थे कब से कि आप ब्राइड मेकअप कब करवाएंगी कब करवाएंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब ब्राइड मेकअप भी करवा लिया है। और बाकी आप लोगों ने बताना कि मैं ब्राइड बनके कैसी लग रही हूँ, काफी सारे फोटो भी शूट किए हैं वो, हाँ बहुत सारे वो भी वीडियो में लगा देंगे वो, हाँ जी, तो वो फोटो भी आप लोगों को वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे, और आप लोगों ने वो भी देख लेने और बता देने भाई कैसे लग रहे, ठीक है, ड्रेस कैसा लग रहा है, मेकअप कैसा लग रहा है। और मेरी भी मेहनत है, जाहिर सी बात है मैं इतने घंटे बैठी हूँ, मामी की भी मेहनत है, तो हम सब ने जो है ना खूब कोशिश की है कि भी अच्छे से अच्छा आप लोगों को दिखाएं। बाकी है कि मेरी शादी के टाइम पे तो कोई फोटोज़ वगैरह थी नहीं, तो हम वो भी शेयर कर लेते आपसे, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी, तो अब भी मैंने जो बनाई है वो आप लोगों को दिखा दिया है। और अभी जो कि रात काफ़ी ज़्यादा होगी और हमारे ना मामी जी गई हैं, तो अब आ गई हैं फूपो जी, तो फूपो जी के साथ जाकर ना टाइम स्पेंड करते हैं। और बाकी मेकअप वगैरह ये तो मैंने अभी नहीं उतारना है, क्योंकि फूपो जी आएंगे ना जाकर हमसे थोड़ी गपशप कर लेते हैं, बाद में ये कि हाथ मुँह धो के ना अच्छे से फिर हम लोग रेस्ट करेंगे। वैसे थकावट भी काफ़ी होगी, सुबह 12 बजे से हम लोग लगे हुए थे और अभी 7 बज रहे हैं, अब फ्री हुए हैं, तो बस ये कि हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। और बाकी ये है कि आप लोगों ने लाजमी लाजमी बताना है कि अपना ब्राइड बन के कैसी लग रही हूँ, आप लोगों को तो मैं बोलने के लिए अब मिल रही हूँ, सारी दिन टाइम में चुप चुप थी। ये देखें मुझे तो ना अभी भी इस सूट में प्यार लग रहा है वैसे, मैं कहा ये देखें मैं इधर शीशे में देख रही हूँ सामने, बड़ा प्यार लग रहा है। चलें तुम भी आज बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, थैंक यू। और मैं अभी भी कह रही हूँ एक चीज़ की कमी थी, क्या मैं तो दुल्हन बन गई, आप मेरे साथ थोड़े से रेडी होके खड़े हो जाते। हाँ यार मैं नहीं बन पाया, मैं नहीं बन पाया वो, मैं फिर यार वो बस अब क्या कर सकते, फोटोग्राफी मैंने करनी थी, कुछ मैंने संभालना था ना, इसलिए चले जो होना था सो हो गया। और बाकी आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे इसी तरह के और भी मजीद व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।